अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी, आपकी गुलबा जी एक और रेसिपी के साथ हाज़िर हुई है जी। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये तो पता होगा जब चिकन कढ़ाई बनाते हैं तो उसमें प्याज यूज़ नहीं होता। उसके लिए टमाटर, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाला। एक कप ऑयल डाला मैंने, चलें जी उसमें लहसुन अदरक डाल के हम उसको भून के उसका मसाला बनाते हैं जी। टमाटर भी डाल दिए हैं मैंने। थोड़ी देर अच्छी तरह इनको पकाते रहें, टमाटर भी अच्छी तरह गल जाएं। जब यूँ हो जाए तो देखें जी कितना अच्छा मसाला बन रहा है उसका। तो फिर आप उसमें आप डालें जी स्पाइसी पाउडर, मिक्स मसाला जात, और थोड़ा सा नमक भी डाल लिया करें। मैं नमक यूज़ नहीं करती इसलिए नहीं डालती। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताती चलूं, मैंने पानी बिल्कुल नहीं यूज़ किया। मेरे पास फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे, ये उनका पानी है, उसमें हम बना रहे हैं जी। अभी ये हाफ डन हुआ है, इसको हम दोबारा से कुछ देर के लिए कवर कर देते हैं। ये देखें जी, कुछ देर बाद अब ये देखें जी पानी सूख गया है। उसके बाद वो घी ऊपर आ गया है। अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे जी। अब इसमें काली मिर्चें डाल रही हूँ जी। अब इसको मज़ीद अच्छी तरह भूनें तब कि घी वाज़े नज़र आने लग जाए। अब देखें जी घी ऊपर नज़र आ रहा है। अब ये कितना अच्छा सालन बन रहा है। इसको दोबारा से अच्छी तरह फिर भून लें। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा सालन रेडी हो गया जी, कितना अच्छा लग रहा है। व्यूअर्स, अगर आपने अब इसको ग्रेवी वाला बनाना है, करी बनानी है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। हाफ कप पानी ऐड करके इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए फिर पकने के लिए रख दें। चलें फ्रेंड्स, अब चेक करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ जी इसे डिश आउट करके कितना अच्छा सालन बन गया है जी। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा सालन देखें कितना अच्छा रेडी हो गया है। ओके व्यूअर्स, फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय जी।